काम चलता गया। अब 15 साल से हमने नरगिश दत्त फाउंडेशन को एक आई थिंक बहुत सॉलिड बेस बनाया है हिंदुस्तान में भी, और हम यहाँ फंड रेज करते हैं। ये फाउंडेशन का नाम नरगिश दत्त फाउंडेशन है, लेकिन ये हमारी या हमारी फैमिली की फाउंडेशन नहीं है, ये हर कोई की फाउंडेशन है, क्योंकि हम हमारे पास जो डोनर्स हैं वो उन सबकी फाउंडेशन है, जो इस फाउंडेशन में काम करता है वो उसकी फाउंडेशन है, हम सिर्फ एक जरिया हैं। और जब जहाँ जहाँ हम तकलीफ देखते हैं, जहाँ काम की ज़रूरत है, जहाँ कैंसर पीड़ित लोग हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा में हमारा फोकस रहा है। और अब जैसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है बिहार में भी काम करने के लिए, और यहाँ आई थिंक बहुत काम करने का एक बहुत नीड भी है। और जैसे आपने गंगा कुमार जी को सुना कि यहाँ ग्रामीण इलाकों में काम करने का मौका मिलेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी नरगिश दत्त फाउंडेशन की ओर से हो सकता है, एक पार्टनरशिप हम बनाए ग्रामीण स्नेहा फाउंडेशन के साथ, ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी सुविधा और बेनिफिट मिले। शिक्षा में भी हम ग्रामीण स्कूलों में काम करते हैं। और एक दूसरी बात है नरगिश दत्त फाउंडेशन की, कि जो पैसे इस फाउंडेशन में इकट्ठे होते हैं 95% जो प्रोजेक्ट है उसमें खर्च होते हैं। हमारे पास जैसे मैंने कहा कोई ओनरशिप नहीं है, हम ना ही स्कूल बनाते हैं ना ही हॉस्पिटल बनाते हैं, हम जो बनाते हैं वो दे देते हैं। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हम एक ज़रिया हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि काम करें, समाज में कुछ काम वो करें या समाज की सेवा करें, उनको ज़रिया नहीं और हम उनके ज़रिया बन सकते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने पूरे देश में काम किया है, बिहार में आज हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और मैं बहुत ही बेहद खुश हूँ कि ये हमें सौभाग्य मिला है बिहार। जी हम फंड रेज भी करेंगे, और हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा इस कैंसर पे रहेगा, और तीन किस्म के कैंसर पे हम टारगेट करेंगे, वो है ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर।